तो और भाई लोग क्या हालचाल, आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे यार। फर्स्ट क्लास तो फाइनली लेके आया हूँ आप सबके लिए Xiaomi एंड Poco डिवाइस के ऊपर टॉप 4 प्रीमियम थीम, जो आपके अपने Xiaomi डिवाइस के UI को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ऑल राइट गाइस, ये है हमारे लिस्ट के फर्स्ट थीम। इस थीम में आप लोग को काफी अच्छी सी आइकन्स पैक की डिजाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है। न्यून कलर के साथ इस तरीके का डिजाइनिंग किया गया है इस थीम की आइकन्स पैक में। साथ ही में अगर आप लोग इस थीम में क्लॉक विजिट को देखते हो तो काफी अच्छी सी है, नेक्स्ट लेवल आप लोग को क्लॉक विजिट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में इसमें आप लोग को म्यूजिक प्लेयर को भी एड कर दिया गया है। तो अब फटाफट से मैं बात करता हूँ इस थीम की सेटिंग्स ऐप की UI की। तो देखो यहाँ पे सेटिंग्स ऐप की डिजाइनिंग को टोटली चेंज कर देता है ये थीम। अगर आप अपने Xiaomi एंड Poco डिवाइस पे अप्लाई करते हो इस थीम को तो कुछ इस तरीके का सेटिंग्स ऐप देखने के लिए मिलेगा। कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी अच्छी है इस थीम में, ये दोनों ही मूड को सपोर्ट करता है। तो आप चाहे लाइट मूड या डार्क मूड दोनों ही मूड पे इस थीम को अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे मैं जितने भी थीम आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ सारे थीम्स का नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो अब आती है बात इस थीम की लॉक स्क्रीन की। तो देखो सेम वॉलपेपर आप लोग को लॉक स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाती है, बट अगर अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा इस थीम में। तो काफ़ी अच्छी चार्जिंग एनिमेशन भी ये थीम प्रोवाइड कर देती है। डायलर एंड मैसेजेस ऐप की मैं बात करूँ तो देखो गूगल का डायलर अगर आपके पास नहीं होगा तो ये टोटली चेंज कर देगा। अब फटाफट से मैं अपने लिस्ट के सेकेंड थीम को करता हूँ अप्लाई। ऑल राइट गाइस, ये है हमारे लिस्ट के सेकेंड थीम। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो क्लॉक विजिट में ही आप लोग को म्यूजिक प्लेयर देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे आप वन टैप करोगे और म्यूजिक सुन सकते हो यहाँ से। तो काफ़ी अच्छी फीचर है, क्लॉक विजिट के साथ हमें म्यूजिक प्लेयर देखने के लिए मिलेगा। बाकी आइकन्स पैक हमें उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, आप लोग को कैसा लगता है इस तरीके का आइकन्स पैक कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ अगर इसकी और भी फीचर की तो देखो ये Lamborghini से इंस्पायर्ड है ये थीम। तो फटाफट से कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं। तो देखो कंट्रोल सेंटर में वॉलपेपर जो है बैकग्राउंड की वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक के चेंज किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं बात करूँ अगर इस थीम की सेटिंग्स ऐप की UI की तो देखो सेटिंग्स ऐप में जो आइकन्स होती है वो टोटली यहाँ पे ग्रीन कलर में कर दिया गया है, ये दोनों ही मूड को सपोर्ट करेगा थीम। तो आप यहाँ पे चाहे लाइट मूड पे अप्लाई करो चाहे डार्क मूड पे, तो ये दोनों ही मूड पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। लॉक स्क्रीन की UI की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग को एक बेस्ट लॉक स्क्रीन वाली थीम चाहिए तो देखो इस थीम को एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। यहाँ पे आप लोग को चार्जिंग एनिमेशन और भी थीमों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। साइड में आप लोग को बार देखने के लिए मिलेगा जो एनिमेटेड है, तो कुछ इस तरीके से हमारा Xiaomi एंड Poco डिवाइस का लुक हो जाता है इस थीम को अप्लाई करते ही। बात करूँ अगर डायलर एंड मैसेजेस ऐप की तो देखो डायलर मैसेजेस ऐप चेंज हो जाता है लेकिन जब गूगल का नहीं होगा तब। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और फटाफट से हम अपने लिस्ट के थर्ड थीम को अप्लाई करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि उसका हमें कैसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। लेकिन उससे पहले गाइस इस थीम की नेम की मैं बात करूँ तो देखो इस थीम का नेम है Lamborghini IZ V13, बस इतना आप लोग को सर्च करना। तो गाइस ये है हमारे लिस्ट के थर्ड थीम। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी आप लोग को वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है, आइकन्स पैक कुछ इस तरीके का ऐड किया गया है। तो फटाफट से मैं बात करता हूँ सेटिंग्स ऐप की। तो ये दोनों ही मूड को सपोर्ट करता है, आप लोग इसे लाइट मूड डार्क मूड दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर की UI की मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी हमें कंट्रोल सेंटर लगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वॉलपेपर है ना वो काफ़ी अच्छी है गाइस। आप लोग को कुछ इस तरीके का वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है जो और भी थीमों में नहीं हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे और भी ज़्यादा हमारा Xiaomi एंड Poco डिवाइस ब्यूटीफुल लगता है। तो अब बात करते हैं इसकी क्लॉक विजिट की। तो देखो क्लॉक विजिट में भी इसमें भी काफ़ी अच्छी सी फीचर है, एक्स्ट्रा फीचर है, आप लोग इसे ज़रूर से यूज करिएगा। लॉक स्क्रीन में देखोगे आप लोग तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही टैप करोगे तो कुछ बबल सा वॉलपेपर पे देखने के लिए हमें मिल जाता है लॉक स्क्रीन में। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं फटाफट से हम अपने लिस्ट के फोर्थ थीम को अप्लाई करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि उसका कैसा हमें इंटरफेस देखने के लिए मिलता है।
तो गाइस ये है हमारे लिस्ट के फोर थीम। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लॉक विजिट देखते हो तो म्यूजिक प्लेयर देखने के लिए मिलेगा, साथ ही में एनिमेशन भी ऐड किया गया है इसमें म्यूजिक प्लेयर के साथ साथ। तो यहाँ पे आइकन्स पैक हमें ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। सेटिंग्स ऐप की UI हमें काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे जो आइकन्स हैं ना उसकी हर एक कलर को चेंज कर दिया जाता है, तो इससे और भी ज़्यादा हमारा फ़ोन अच्छी लगती है। तो फटाफट से इस थीम में हम लोग देख लेते हैं कंट्रोल सेंटर। तो देखो गाइस इस थीम में जो कंट्रोल सेंटर है और भी थीमों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसकी डिज़ाइनिंग भी काफ़ी डिफरेंट है, जो इसकी बैकग्राउंड इमेज है वो काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी में ऐड किया गया है। तो गाइस इस थीम की लॉक स्क्रीन की UI की मैं बात करूँ तो देखो लॉक स्क्रीन में भी काफ़ी अच्छी सी वॉलपेपर को ऐड कर देता है ये थीम, और साथ ही में इसके ऊपर टैप करोगे आप तो कुछ इस तरीके का बबल सा शो होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। और गाइस आप लोग को किस तरीके का थीम चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल टेक केयर एंड बाय।